जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपने थंबनेल वगैरह और टाइटल वगैरह देख लिया होगा, तो उसी से रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर देखने वाला हूँ। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और ये जो रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब से रिक्वायरमेंट है और ये क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है, जैसे कि आपने देख लिया होगा 5 तारीख को होने वाला है ये, ठीक है। नई दिल्ली 5 तारीख को भारत नगर में इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप इसमें आ सकते हैं तो कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आ सकते हैं तो ज़रूर आइएगा। और एज लिमिट मैं आपको बता दूंगा इसमें कितनी एज वाला बंदा चाहिएगा, ताकि आपको आने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपकी वजह से किसी भी भाई बंदों को हेल्प मिल सके और वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है ये सऊदी अरब से है। क्लाइंट इंटरव्यू इसका होने वाला है 5 तारीख को, ये आने वाली जो है। आज मैं जो शूट कर रहा हूँ वीडियो 2 तारीख है, यानी कि 3 दिन इसको बाकी है, और पब्लिश करूँगा मैं इसको सुबह में, यानी कि 3 तारीख की सुबह में इसको मैं पब्लिश कर दूँगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और ये जो काम है काफ़ी अच्छा काम है, जिसमें कि 3 कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पहले पूरा वीडियो देख लें तभी आप हमें कॉन्टैक्ट करें, ताकि आपको भी आसानी हो जाए, हमें भी आसानी हो जाए, आपको हेल्प करने में थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमें चाहिए पैकिंग हेल्पर, पैकिंग हेल्पर के लिए कैंडिडेट चाहिए, और इसमें कैंडिडेट का गुड लुक होना चाहिए अच्छे से, और इसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आना ज़रूरी है। अगर आप पैकिंग हेल्पर में अप्लाई करना चाहते हैं थोड़ी बहुत इंग्लिश आना ज़रूरी है। और इसमें जो ड्यूटी रहेगी आपकी वो 8 से 10 घंटे की रहेगी, लेकिन डिपेंड करता है आप जब इंटरव्यू देने के लिए आएंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ले लें आप, और कितने घंटे की ड्यूटी रहेगी, किस चीज़ का पैकिंग करना रहेगा, कैसे रहेगा, क्या रहेगा, कौन सी कंपनी है, वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तब अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ताकि मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ जिससे आपको हेल्प मिल जाए, ताकि आपको आने में और वहाँ पर जाने में कोई परेशानी नहीं हो पाए, ठीक है ना। और इसमें जो आपकी ड्यूटी का मैंने बता दिया, कंपनी आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना, जो मैंने बताया वो सारी चीज़ प्रोवाइड करेगी। और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 800 रियाल रहेगी, प्लस फूड देगी कंपनी, यानी कि फूड कंपनी दे रही है, सैलरी 800 रियाल दे रही है, प्लस OT जो रहेगा वो डिपेंड ऑन कंपनी पर करता है कि कितना आपको सऊदी के लेवल के हिसाब से ओवर टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट के बारे में। जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो लाइट ड्राइवर की है, ठीक है। लाइट ड्राइवर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप इसमें आ सकते हैं, और इसमें आपका फ्रेशर भी अगर लाइसेंस है तो आप इसमें जा सकते हैं, इंडिया का लाइसेंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और इसमें आपकी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें जो ड्यूटी रहेगी वो 8 से 10 घंटे के बीच में ही रहेगी। कन्फर्मेशन आप जब इंटरव्यू में आए, फेस टू फेस जब इंटरव्यू रहे तो वहाँ पर आप पूरा कन्फर्म कर लें। और इसमें जो आपके ABC टेस्ट, ISI या ABC टेस्ट इसमें ज़रूर होना चाहिए आपका, आप आए तो टेस्ट भी ज़रूर लगवा लें, ठीक है ना, टेस्ट मार्क आएँ, ताकि आपका सिलेक्शन में थोड़ा इजी हो जाए। और कंपनी आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर रही है, यानी कि रहना तो सब में प्रोवाइड करती है, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें आपको जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 1100 रियाल रहेगी, प्लस फूड रहेगा, यानी कि सैलरी 1100 मिलेगी आपको बेसिक, और प्लस फूड आपको देगी कंपनी, रहना भी दे रही है, खाना भी दे रही है, पीना भी दे रही है, सारी चीज़ आपको कंपनी फैसिलिटीज़ दे रही है। और अदर जो सुविधा है वो आप जब इंटरव्यू में आ जाएंगे तो वहाँ पे आप क्लियर कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी रिक्वायरमेंट के बारे में। जो हमारे पास में तीसरी रिक्वायरमेंट आई है वो है कैशियर, कैशियर के लिए कैंडिडेट चाहिए। इसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट चाहिए, और ज़्यादा इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ कंडीशन इसके अंदर ये है कि आप रिटर्न होने चाहिए। अगर आप रिटर्न है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। गल्फ़ रिटर्न होने चाहिए, और आपके पास में गल्फ़ रिटर्न होंगे तो सारी चीज़ सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ आपके पास होगी, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। और ये रिक्वायरमेंट है, अगर इसकी सैलरी की बात करें तो इसमें 1400 रियाल सैलरी है, प्लस फूड कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है,
और अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो ये सैलरी थी। अब बात कर लेते हैं इसमें एज की। सबसे मेन चीज़ क्या है? एज। अगर आपकी एज जो है 21 से 30 साल के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर 30 से ऊपर के हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में वही कैंडिडेट आएँ जो 30 से अंदर हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप 35, 40 इसके वो कैंडिडेट आ जाएं तो यहाँ पे आने के बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश आती है, पैकिंग में जाना चाहते हैं, इंग्लिश आती है तभी आएँ, और अगर आपकी एज जो है वो 30 से कम है तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 से ज़्यादा, 30 से कम, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये जो है इंटरव्यू होने वाला 5 तारीख को, यानी कि यही आने वाली जो 5 है, अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको एड्रेस मिल जाएगा प्रॉपर, और 5 तारीख की सुबह 8 बजे शुरू इंटरव्यू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें ज़रूर, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ये वीडियो आपके प्रोफाइल से मैच करती नहीं है तो इन फ्यूचर जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपकी प्रोफाइल से मैच करती होगी, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए इजी हो जाएगा। और इंशाल्लाह मैं आपके सामने जो लेकर आऊँगा वो अच्छे ऑफिस की ही रिक्वायरमेंट लेकर आऊँगा, जो क्या आपके साथ में गलत नहीं होगा और आप उस पर अप्लाई कर सकें, आपका पैसा ख़राब नहीं जा किसी भी तरह से। तो वही रिक्वायरमेंट मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।